नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रमोद सिंह आप सभी का आपके चैनल P3 म्यूजिक पर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम लोग एक देवी गीत मन भावे मैया के चुनरिया गोटेदार सैया ले ले आइया अपने पियानो पर सीखेंगे। आप लोगों के फरमाइश पे ही ये गाना मैं लेकर के आया हूँ और इस देवी गीत को हमारे सुपरस्टार पवन सिंह भैया जी ने गाया है। ठीक है, बहुत ही सुंदर गाना है और बहुत ही सुंदर भाव है। इसको अपने पियानो पर सीखने जा रहे हैं हम लोग। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप नोटेशंस के साथ सिखाते जाऊंगा और नोटेशंस आपको आपकी स्क्रीन पे दिखती भी रहेंगी। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल P3 म्यूजिक पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बस आपसे इतनी ही विनती है कि चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह के भजन गाने आप लोगों को हमेशा बराबर मिलती रहेंगी। आइए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट लाइन है, मन भावे मैया के चुनरिया गोटेदार। देखिए कैसे बजेगा। मन भावे मैया के चुनरिया गोटेदार। नोट्स देखते हैं, मन के लिए एफ शार्प जी शार्प, भावे के लिए एफ शार्प ई एफ शार्प, मैया के लिए एफ शार्प जी सर, के लिए जी सर, चुनरिया के लिए जी सर एफ सर ए, और गोटेदार के लिए जी सर एफ सर ई डी सर सी सर। सिंगल फिंगर से धीरे धीरे देखिए। ठीक है, फिर आता है सैया ले ले आइया। सैया ले ले आइया, सैया के लिए सी शार्प ई, ले ले के लिए ई डी शार्प सी शार्प डी शार्प, और आइया के लिए सी शार्प। सिंगल फिंगर से धीरे धीरे देखिए। उसके बाद ओ सैया ले ले आइया, एकदम सेम। तो ओ के लिए एक एक्स्ट्रा सी शार्प ऐड हो जाएगा, उसके बाद सेम हो जाएगा। सैया के लिए सी शार्प ई, लेले के लिए ई डी शार्प सी शार्प डी शार्प, और अयह के लिए सी शार्प। ठीक है, उसके बाद आता है मेन लाइन, जाता रहा आड़ा के बाजार। देखिए कैसे बचेगा। ठीक है, फिर से एक बार देखिए, जाता रा आड़ा के बाजार। ठीक है ना, तो इसमें नोट्स देखते हैं। जाता र के लिए सी शार्प ई ई, आड़ा के लिए डी शार्प सी शार्प डी शार्प, और के लिए डी शार्प, बाजार के लिए सी शार्प बी जी शार्प। सिंगल फिंगर से धीरे धीरे देखिए। सैया ले ले आइया। सैया ले ले आइया, इसका नोटेशंस क्या हो जाएगा। सैया के लिए जी शार्प बी बी, ले ले के लिए सी शार्प ई, और अयह के लिए डी शार्प सी शार्प सी शार्प। सिंगल फिंगर से धीरे धीरे देखिए। ठीक है, तो ये हम लोग का अस्थाई पाठ रेडी हो गया। ठीक है ना, बहुत ही आसान है, चार से पांच लाइन ही सीखना है। ठीक है ना, और अंतरा में कुछ नहीं है, सिर्फ एक लाइन सीखना है और बाकी सब सेम जो अभी हम लोग ने बजाया वही बजा देना। ठीक है ना, तो जो अभी तक मैंने बजाया उसको सिंगल फिंगर से पांचों लाइन में एक बार फिर से आप लोगों को बजा करके दिखा देता हूँ। ठीक है ना, देखिए कैसे बजेगा। मन भावे मैया के चुनरिया गोटेदार, सैया ले ले आइहा, ओ सैया ले ले आइहा, जाता र आरा के बाजार, सैया ले ले आइहा।
जाएगा, बहुत आसान है, आप लोग इसको सीखिए। अगर यहाँ तक सीख गए तो बहुत अच्छा है, नहीं सीखा तो पीछे जा करके फिर से रिपीट करके आप लोग देखिए। नोटेशंस आपके पास है, तरीका आपके पास है, बहुत ही आसान है और बहुत ही प्यारा भक्ति गीत है, इसको आप लोग ज़रूर बजाइएगा, ठीक है ना। खासतौर से भोजपुरी समाज के लोग जो पवन सिंह जी को पसंद करते हैं उनके लिए तो ये गाना मैं बोलता हूँ कि बहुत आनंद आने वाला है अगर आप लोग बजाइएगा तो, ठीक है। चलिए अंतरा की ओर बढ़ते हैं। गैया के गोबड़ा ले आई हा गंगा जलवा, देखिए कैसे बजेगा। गैया के गोबड़ा ले आई हा गंगा जलवा, बहुत आसान है। तो नोटेशन देखते हैं, गैया के लिए बी बी, के लिए बी, गोबड़ा के लिए बी, सी शार्प सी शार्प एफ शार्प, ले आई हा के लिए एफ शार्प जी शार्प एफ शार्प, और गंगा के लिए ई डी शार्प सी शार्प, और जलवा के लिए सी शार्प डी शार्प डी शार्प सी शार्प। सिंगल फिंगर से धीरे धीरे देखिए। फिर से किन के ले आई है सैया सुनर सुनर फड़वा, सेम जो अभी हम लोग ने बजा वैसे बजा देना। देखिए ठीक है, मैंने नोटेशंस आप लोगों के लिए लिख दिया, सेम नोटेशन से, ठीक है ना। उसके बाद आता है बेली चमेली और ओढ़हुल के हार सैया ले ले आई है, जाता रहा आड़ा के बाजार सैया ले ले आई है, सेम जो हम लोग ने अपना अस्थाई बजाया था मन भावे मैया के चुनरिया गोटेदार, वही यहाँ पे बजा देना है। तो ये चारों पांचों लाइन हम लोग का बज जाएगा, ठीक है ना। देखिए कैसे बजेगा, बेली चमेली और ओढ़हुल के हार, देखिए। ठीक है, उसके बाद सैया ले ले आई है, फिर जाता रहा आड़ा के बाजार सैया ले ले आई है, ये हम लोग का यहाँ पे अंतरा भी रेडी हो गया। देखिए अंतरा तो बहुत आसान था, सिर्फ एक लाइन हम लोग ने सीखा और बाकी सब रिपीट था। तो बहुत आसान भक्ति गीत है, देवी गीत है, इसको सीखिए, माँ के चरणों में समर्पित कीजिए, ठीक है। और ये ट्यूटोरियल कैसा लगा आप लोगों को, आपने क्या क्या इससे सीखा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी ये देवी गीत सीख सके। इसी के साथ प्रमोद सिंह का सादर प्रणाम स्वीकार कीजिए, मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।